हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बॉन्ड गोल। दिस और संदीप भैया। और गाइस, जो लोग एएमयू के लिए वेट कर रहे थे, एएमयू के फॉर्म लिस्ट थर्ड के लिए वेट कर रहे थे कि भैया मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं बताता हूँ कि एएमयू का फॉर्म लिस्ट थर्ड आ चुका है। आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं और आप ये देख पाएंगे। बहुत मतलब वो वाली बात है कि बहुत कम ही सीट्स बची हुई थी, ठीक है। और को मतलब जो अच्छी ब्रांचेज थी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब की तो सीट ही नहीं बची हुई थी। तो अभी चलिए मैं बताता हूँ कि अभी कहाँ तक वेटिंग क्लियर होने की संभावना है, या फिर आपके साथ अभी क्या हो सकता है। आपकी एक और कोई लिस्ट आने वाली भी है या नहीं आने वाली है, मतलब फॉर्म लिस्ट 4 आएगी भी या नहीं आएगी, या इसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करानी है या नहीं करानी है, क्लासेस आपकी कब से शुरू होंगी, सारा चीज सारी बातें हम एक ही वीडियो में कर लेंगे। तो ये वीडियो दैट इज सफिशेंट फॉर यू। देखिए, मामला ऐसा है कि आपको सबसे पहले जाना है एएमयू एग्जाम कंट्रोलर के साइट पर। एएमयू एग्जाम कंट्रोलर की साइट पर जाकर फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पर क्लिक करके बीटेक फॉर्म लिस्ट 3 पे क्लिक कर दीजिएगा। अब बीटेक फॉर्म लिस्ट 3 पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने, और आप ये देखिए, केमिकल, फूड टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल, मतलब बस यही है इस राउंड में, बस यही है। मतलब जितने बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिकल तक गया है, ठीक है। एआई तक एक हो गया, बस हो सकता है किसी को टेक की सीट हो, ठीक है। तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह ही मिला, इलेक्ट्रिक व्हीकल, केमिकल और पेट्रोकेमिकल, यही सारी सीट्स ही बची हैं। फॉर्म लिस्ट थर्ड में ज़्यादा सीटें नहीं बची हैं। अब फॉर्म लिस्ट थर्ड में देख सकते हैं कि जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ केमिकल, पेट्रोकेमिकल और फूड, और ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल ही मिला है, बाकी जो ब्रांचेज हैं वो मिला ही नहीं है। मतलब बाकी ब्रांचेज में सीट खाली ही नहीं है, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। एक पेज और सिर्फ दो, सॉरी ये देखिए फॉर्म लिस्ट थर्ड को, एक पेज एंड दैट इज सेकंड पेज, इन्हीं दोनों पेज में निपट गया। मतलब दो पेज ही आया बस इस बार, तो ज़्यादा बच्चों का हुआ नहीं, ठीक है। ये बच्चे हुए हैं जिनको नया ब्रांच अलॉट हुआ है, और ये वो बच्चे हैं जिनको जिनका अपग्रेड हुआ है, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दो पेज में काम ख़त्म हो गया है, मतलब बहुत कम सीटें बची थी। तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि अगले राउंड में शायद ही आए, अगला मतलब फॉर्म लिस्ट 4 आने की संभावना बहुत ही कम है, ठीक है। फॉर्म मुझे नहीं लगता कि फॉर्म लिस्ट 4 आएगा, और अगर आया भी तो वो एक पेज से भी कम का आएगा, ठीक है। तो देयर विल नॉट बी टू मच थिंग्स, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी आपको बनाए रखिए, जिनको जिनको मिल गया कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा कि अभी फिजिकल वेरिफिकेशन वाला कोई मामला है नहीं, अभी आपको मेल आएगा और डायरेक्ट आप क्लास में आइएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों की क्लास चल रहा है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि पेमेंट कर देना है, पेमेंट कर देना है 17 से 18 के बीच में, और उसके बाद से 18 से 20 के बीच में ग्रेस पीरियड विद फाइन है। जो लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे उनको फाइन के साथ पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप एएमयू में पढ़ना चाहते हो तो आप अभी भी इसे ले सकते हो पेमेंट करने के बाद से 21,000 का, ठीक है। तो ये पेमेंट हो जाने के बाद से आपको एक मेल आएगा, मेल में ये होगा कि आपकी क्लासेस चल रही हैं, आपको कौन सा मतलब क्लासरूम दिया गया है, बाकी सारी चीज़ें आप कॉलेज आ जाइए और क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। बाकी हॉस्टल के लिए आपको फाइल जमा करनी पड़ेगी। दो ही हॉस्टल है इंजीनियरिंग के लिए, एक नदीम तरीन हॉल और एक शाह सुलेमान हॉल। नदीम तरीन हॉल में खुद मैं भी रहता हूँ, तो आप आके बिल्कुल मुलाकात करिए। एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। और अभी देख के यही लग रहा है कि अब इससे ज़्यादा वेटिंग क्लियर होने की संभावना बहुत कम है, और अगर हुई भी तो बहुत कम ही लोग की वेटिंग क्लियर होगी। इसमें से जो लोग छोड़ेंगे बस उनका ही होने वाला है। तो अभी फॉर्म लिस्ट 4 की कोई भी वो नहीं है, जैसे ही आएगा आई विल इन्फॉर्म यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।